A very good morning to all of you. Today I am going to start your first unit of class 11th physics. इससे पहले कि मैं तुम्हारी यूनिट शुरू करता हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू वट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट. आप क्या पढ़ने वाले हो? तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो चार छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइडेड है, फोर चैप्टर्स में. सबसे पहला है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. जो ये तुम्हारा पहला चैप्टर होगा इसका, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस. साइंस की कौन सी फील्ड्स है, उसके बाद डिफरेंट लॉज जो जो आपके साइंस में होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब के बारे में पता चलेगा. उसके अलावा आपका फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, वो फंडामेंटल फोर्सेस, आपकी पूरे यूनिवर्स में कितनी तरह की फोर्सेस प्रेजेंट है, कितनी बेसिक फोर्सेस प्रेजेंट है, वो सब आपको इसी चैप्टर में पता चलेगा. उन फोर्सेस को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इसके बाद आएगा आपका सेकंड चैप्टर जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इस चैप्टर में आपको पता लगेगा कि आपकी कौन से सिस्टम होते हैं यूनिट्स के. मतलब हमारे पास SI सिस्टम होता है ना, मीटर पर सेकंड आपकी यूनिट होती है स्पीड की, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो ये यूनिट्स होती है. ऐसे आपकी CGS होती है जो आपका सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपकी CGS यूनिट है. मास की किलोग्राम, CGS यूनिट ग्राम, ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम सीखेंगे इस चैप्टर में. उसके बाद हम जानेंगे कुछ चीज़ें कि जो SI सिस्टम होता है, SI यूनिट पूछते हैं ना आपसे, तो वो SI सिस्टम होता है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होती है. फिर इस चैप्टर में हम सीखेंगे कुछ यूनिट्स जो आपकी यूज होगी आपकी फिजिक्स में आगे जाके, डिस्टेंस की कुछ यूनिट्स, बड़ी यूनिट्स, छोटी यूनिट्स, ऐसे ही मास को मेजर करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिट्स कौन सी होती है, जैसे क्विंटल होती है, ऐसे छोटी यूनिट्स कौन सी होती है, वो सब कुछ इस चैप्टर में हम सीखेंगे. फिर आएगा आपका डायमेंशन एनालिसिस, थर्ड चैप्टर. वेल, इस चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस में हम सीखेंगे कि भाई कोई आपके जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले जैसे फोर्स इक्वल टू MA हो गया, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गई, वहाँ पे आपका जैसे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला हो गया, तो ये जो फॉर्मूले वगैरह आपके, काइनेटिक एनर्जी हाफ MV स्क्वायर हो गया, इनकी डेरिवेशन कैसे हुई, ये ड्राइव कैसे किए गए, वो हम इसमें सीखेंगे. अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला दे दूँ और बोलूँ कि इस फॉर्मूले को चेक करो करेक्ट है या नहीं, तो वो फॉर्मूले की चेकिंग भी आप इसी से कर सकते हो. तो डायमेंशन एनालिसिस में हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं. फिर आपका लास्ट चैप्टर इस यूनिट का होगा एरर्स. एरर्स में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स की जो गलतियाँ आप करते हो एक्सपेरिमेंट करते हुए, वो गलतियाँ क्या क्या होती है. फिर अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कौन से एरर होंगे, जैसे परसेंटेज एरर, कितना एरर निकलेगा, तो वो निकालने हम इसमें सीखेंगे. उसके अलावा इस एरर वाले चैप्टर में हम राउंडिंग ऑफ भी सीखेंगे. राउंड ऑफ करते हैं ना हम, जैसे 2.48 को 2.5 लिख देते हैं, तो वो राउंडिंग ऑफ भी हम इसी चैप्टर में एरर्स में सीखने वाले हैं. तो फर्स्ट यूनिट इन शॉर्ट आपको प्रिपेयर कर देगी, आपको तैयार कर देगी क्लास 11th की एंड क्लास 12th की जो फिजिक्स आपको आगे पढ़नी है उसके लिए. तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री उसके बाद बायोलॉजी, ये सब साइंस का पार्ट है आपके. तो साइंस का मतलब क्या है, क्लास 10th तक भी आपने पढ़ा है. तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज. नॉलेज मतलब जो ज्ञान होता है वी गेन्ड, हम जो अर्जित करते हैं, द नॉलेज वी गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. देखो, जो भी नॉलेज आपको मिलती है ना, वो या तो ऑब्जर्वेशन से मिलेगी और या आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी आपको वो नॉलेज मिलेगी. अब उस नॉलेज को अगर मैं ऑर्गेनाइज कर दूं सिस्टमेटिकली अगर ऑर्गेनाइज कर देता हूं, तो वो किसका पार्ट बन जाती है, साइंस का पार्ट बन जाती है. तो साइंस का सीधा सा मतलब होता है नॉलेज. कौन सी नॉलेज, जो हमें मिलती है, कहां से मिलती है, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स से. और जब इस नॉलेज को आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, तो ये क्या बन जाएगी, इट बिकम्स साइंस. तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज वी गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली बिकम्स साइंस. ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉलेज को हम साइंस ही बोलते हैं, बट उस नॉलेज को आपको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा.
इसके बाद बारी आती है जो साइंस वर्ल्ड है। ये वर्ड ऐसे तो है नहीं कि भाई नामकरण सीधा कर दिया, कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक होगा ना। तो इसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि साइंस का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज मतलब किसी चीज को जानना। तो साइंस वर्ड आपका ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से। लैटिन बहुत पुरानी लैंग्वेज है अपनी, सबसे पुरानी लैटिन लैंग्वेजेस में आती है आपकी, ग्रीक लैंग्वेजेस में है। तो लैटिन वर्ड होता है एक सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया, और इसका मीनिंग होता था टू नो, किसी चीज को जानना। तो इसी सिंटिया वर्ड से हमने क्या वर्ड बना दिया, साइंस बना दिया। तो साइंस का मतलब होता है टू नो, किसी चीज को जानना ही तो होता है। नॉलेज अगर आपको किसी चीज की होगी आप उस चीज को जान जाओगे। तो साइंस वर्ड आया आपका सिंटिया वर्ड से, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके, और लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो साइंस आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होती है फिजिकल साइंस और एक होती है आपकी बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में आप स्टडी करते हो नॉन लिविंग थिंग्स को, यू डील विद And in your biological science, one deals with living things. हम living things के साथ deal करते हैं। Example physical science के, physical science का सबसे पहला example जिसमें हम non-living से deal करते हैं वो आपकी physics है। तो physics is the part of physical science। फिर आपकी chemistry आ जाती है, फिर आप एस्ट्रोनॉमी डाल सकते हो। एस्ट्रोनॉमी मतलब आपका जो आप प्लैनेट्स की स्टडी करते हो, स्टार्स की स्टडी करते हो। एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट होता है, दैट इज द स्टडी ऑफ योर जोडियाक साइंस जो होते हैं, जेमिनाई ये सब, वो एस्ट्रोलॉजी होता है। ठीक है, वो भी आप डालोगे तो इसी में डालोगे। ठीक है, फिर आपका आता बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग से डील करोगे तो इसमें आप डाल सकते हो, तो बायोलॉजी डाल सकते हो। फिर आप डाल सकते हो इसमें बॉटनी। बॉटनी मतलब द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को स्टडी करते हो। फिर आता आपका जूलॉजी। वेल जूलॉजी में आप जू, जू वर्ड आया मतलब एनिमल्स को स्टडी करोगे। एंड इसके बाद आपका आता है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स में आप स्टडी करते हो डेड बॉडीज हो गई, उसके बाद आपके वायरसेस वगैरह कुछ होते हैं, मतलब वो बायोटेक में भी हम पढ़ते हैं, फोरेंसिक्स का भी वो पार्ट माना जाता है आपका। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स हो गए, वो सब कुछ फोरेंसिक्स में हम स्टडी करते हैं, तो वो भी डील करता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, सॉरी लिविंग थिंग्स के साथ आपकी। तो ये थी आपकी साइंस की दो ब्रांचेस। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, अगर आप कोई भी साइंटिफिक मेथड, कोई भी एक साइंटिफिक अप्रोच कर रहे हो, मतलब मान लो आपको एक कोविड की ही टाइम चल रहा, कोविड वैक्सीन पे आप काम कर रहे हो, कोई डॉक्टर कोविड वैक्सीन पे काम कर रहा है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे अपनी कोविड वैक्सीन जो वो बनाएगा उसको आगे पेटेंट दिलवाने के लिए कि गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर दे, तो क्या क्या स्टेजेस होती है। वैसे अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो किसी एक आपके इंजिन पे काम कर रहा है, भाई होते हैं ना इंजिन V2.1 V2.2 वैसे आपके, तो वो एक नए तरह का इंजन बना रहा है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उसको अप्रूव करवाना है उसको, तो वो सारा प्रोसेस उसका कैसे चलेगा, यू शुड नो दिस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ साइंटिफिक मेथड, कोई भी साइंटिफिक मेथड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ साइंटिफिक मेथड। तो कोई भी साइंटिफिक मेथड अभी मैंने बताया था, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका टेकिंग ऑब्जर्वेशन बाई एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले आदमी अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा,
और वहां से जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेगी उनको वो लिखना शुरू कर देगा, रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, किसी भी साइंटिफिक अप्रोच में आप जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको मिली है आप उनको स्टडी करोगे, भाई पैटर्न देखोगे वो ऑब्जर्वेशन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, और उनकी करोगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब भाई अगर मान लो आपकी कोई वैल्यू आ गई 2.4, उसके बाद आपकी वैल्यू बन गई 2.5, ठीक है, तो आप किसी भी चीज के लिए मान लो इंजन पे काम कर रहे हो तो आपकी 2.4 से 2.5 वैल्यू क्यों बनी है, तो उसके एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप सोचोगे, क्योंकि आपको इस चीज को आगे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा जब आप ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के आगे जाके अपना पेटेंट मांगोगे, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी हर एक ऑब्जर्वेशन की, कि ये ऑब्जर्वेशन क्यों आई है। फिर थर्ड स्टेप होता है मॉडल मेकिंग, मतलब जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस ली है उनको आपने लॉजिकली स्टडी कर लिया है, देख लिया है ऑब्जर्वेशन क्यों आई है, फिर उस सबको आप लिखोगे, इन शॉर्ट बोलूं तो अपनी थीसिस लिखोगे, मतलब आपको ऊपर से क्या सीखने को मिला वो सब कुछ आप अपनी एक रिपोर्ट बना दोगे, वो है आपका मॉडल मेकिंग, ठीक है। अगर किसी ने इंजन बनाया है तो अपना इंजन का एक प्रोटोटाइप तैयार कर देगा, इंजन वगैरह अगर कोई बना रहा तो उसका प्रोटोटाइप, अगर कोई वैक्सीन बना रहा तो उसके फॉर्मूले वगैरह वो बनेगी कैसे, तो वो सब कुछ इस मॉडल मेकिंग में डाला जाता है। फिर फोर्थ स्टेप होता है आपका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन में आप डालते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मॉडल कि भाई क्या क्या ये चीज कर सकती है, जैसे आपका इंजन है तो आपका इंजन 1 लीटर में कितनी एफिशिएंसी देगा, अगर आपकी सिचुएशंस ये रही, वजन इतना रहा, 4 लोग बैठेंगे तो इतनी देगा, मतलब वो प्रेडिक्शंस वगैरह आप करोगे, अपने रिजल्ट्स वगैरह दोगे, ठीक है। वैक्सीन के केस में अगर वैक्सीन बना रहे हो आप, वैक्सीन के केस में आदमी बताएगा कि भाई इस एरिया में ये वैक्सीन काम करेगी, अगर एरिया ठंडा होगा तो ये जल्दी काम करेगी, वो सब प्रेडिक्शंस वगैरह आप इसमें दोगे। एंड सबसे लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, आप अपने उस प्रोजेक्ट को लेके, आप अपने उस प्रोटोटाइप को लेके, आप अपने उस थीसिस को लेके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के आगे जाओगे, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के आगे जाओगे, एंड दे आर गोइंग टू वेरीफाई योर मॉडल, वो उसको वेरीफाई करेंगे, तब आपका कोई भी साइंटिफिक मेथड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप, यू हैव टू टेक ऑब्जर्वेशंस बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, फिर उन ऑब्जर्वेशंस को आप स्टडी करोगे और लॉजिकली उन पे सोचोगे, फिर मॉडल मेकिंग, मॉडल मेकिंग मतलब प्रोटोटाइप तैयार करोगे, अपनी जो भी रिपोर्ट वगैरह वो तैयार करोगे, फिर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, जो भी आपने वहां से रिजल्ट्स वगैरह, आपने जो भी वहां से आउटकम होगा वो लिखोगे, फिर लास्ट होता है वेरिफिकेशन ऑफ मॉडल, मतलब उसको वेरीफाई करवाओगे, उसको पेटेंट लोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी कुछ चीजें हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, सबसे पहली आपकी हाइपोथेसिस। भाई हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड आपको आगे जाके लाइफ में सुनने को मिलेगा। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है टू अज्यूम और टू सपोज समथिंग, आपका फिजिक्स में इसका मीनिंग हाइपोथेसिस, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, एक्सियम्स वगैरह वगैरह भी बोलते हैं, वो मैथमेटिक्स वगैरह में हम बोलते हैं एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो हाइपोथेसिस मतलब किसी चीज को एज्यूम करना। अब जब हम किसी चीज को एज्यूम करते हैं तो हमें उसको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, तो हाइपोथेसिस नीड्स टू बी जस्टिफाइज, जस्टिफाई हमें उसे करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर आपका लो होता है, लो जितने भी आपने लो पढ़े हैं आज तक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन लो आपका, ये सब लो शुरुआत में हाइपोथेसिस ही थे, पर जब इसको प्रूव कर दिया गया तो ये क्या बन गए, लो बन गए। और लोज, हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो लो की अगर मुझे डेफिनेशन बनानी है तो लो क्या बनेगा, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिजल्ट निकल के आते हैं उसको हम लो बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका रिजल्ट होता है जो भी, वो जस्टिफाइड होता है, ठीक है, उसका हमारे पास प्रूफ होता है, तो वो हमारे क्या बनते हैं, लो बनते हैं, और लो को कभी भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आती है आपकी दो छोटी छोटी टर्म्स और है, एक है डिस्कवरी, एक है इन्वेंशन। इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आगे जाके आपको मतलब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कई लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है। तो डिस्कवरी का मतलब होता है ऐसी चीज जो ऑलरेडी वर्ल्ड में प्रेजेंट है बट नोबडी थिंक्स अबाउट इट, किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं था पहले, जैसे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा से प्रेजेंट थी, जब भी कोई मतलब जब तक आपके न्यूटन ने उस चीज को नहीं देखा था, तो पेड़ से जो भी चीज टूटती थी वो नीचे गिरती थी,
किसी भी चीज को आप ड्रॉप करोगे नीचे ही गिरेगी, तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी ग्रेविटी, बट किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं था। फिर जब न्यूटन ने सोचा उसके बारे में, तब वो एक डिस्कवरी बन गई। ऐसे ही डिस्कवरी ऑफ स्विज कैनाल, आपका स्विज कैनाल है, पहले रूट्स वगैरह होते हैं जो आपके शिप वगैरह जाती थी आपकी ओशन वगैरह से, तो काफी सारे रूट्स ऐसे होते थे जो प्रेजेंट थे पर किसी को पता नहीं थे। तो वैसे ही वास्को डी गामा, जैसे उसने अपना रूट फाइंड आउट किया था, स्विज कैनाल की डिस्कवरी हुई थी, ये सब डिस्कवरीज है, ऑलरेडी प्रेजेंट थी। फिर आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब एटम में ऑलरेडी प्रेजेंट थे पहले से, इसको बनाया नहीं गया, ऑलरेडी प्रेजेंट थे आपके, बस उसकी डिस्कवरी की गई थी, उनको ढूंढा गया था, खोजा गया। तो डिस्कवरी का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पहले प्रेजेंट नहीं थी, टिल इट इज क्रिएटेड, जब तक हमने उसे नहीं बनाया। तो इन्वेंशन को बनाया जाता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल, डिस्कवरी ऑफ सेलफोन, सॉरी इन्वेंशन ऑफ सेलफोन, सेलफोन पहले से प्रेजेंट नहीं था, उसको इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था। ऐसे ही इन्वेंशन ऑफ टीवी, टेलीविजन, बनाया गया था। इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, ग्राहम बेल ने जो बनाया था। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ बल्ब, एडिसन जो बनाया था, बल्ब की इन्वेंशन हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इट शुड बी क्लियर टू यू। उसके बाद चलते हैं और छोटी छोटी कुछ चीजों की तरफ। नाउ लेट्स स्टडी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू न्यू थ्योरीज। मतलब ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कैसे न्यू थ्योरीज बनी, उसके बारे में सीखते हैं। तो ऐसे दो एग्जांपल मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपको, बहुत फेमस एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल है कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ। सबसे पहले, बहुत पहले के टाइम पे माना जाता था कि जो हमारी अर्थ होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब अगर आप उसके एक एंड पे जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, तो लोग यही सोचते थे। इसी कारण जो आपका शिप्स वगैरह होती थी बहुत दूर तक नहीं जाती थी पानी में, सी में, वो ये सोचते थे अर्थ फ्लैट है, और जहाँ पे होराइजन होता है ना, अर्थ और आपका स्काई मिल रहा होता है, वो उसका एंड है और वहां से नीचे गिर जाएगा। तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। हुआ क्या, एक टाइम एक शिप थी, वो मॉर्निंग के टाइम गई कहीं पे और वो शाम के टाइम वापिस आई, वो होराइजन को क्रॉस कर गई थी। तो एक आदमी ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था और उसने ऑब्जर्व किया कि यार ये तो वापिस आ गई वहां से, इट मींस अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। इसका मतलब कोई भी चीज नीचे नहीं गिरती। तो किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था, और जैसे ही ऑब्जर्व किया, ये थ्योरी चेंज होके क्या बन गई, स्फेरिकल अर्थ की थ्योरी बन गई। इसका मतलब ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप कोई भी नई थ्योरी क्रिएट कर सकते हो। सेकंड आपका बहुत फेमस एग्जांपल है जियोसेंट्रिक थ्योरी। बहुत पहले के टाइम अज्यूम किया जाता था जो अर्थ होती है ना, वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, सेंटर। और ये थ्योरी दी थी टॉलेमी ने कि भाई जो भी अपने प्लैनेट्स होते हैं, इवन सन है, वो अर्थ के चक्कर लगाता है, ये कहा जाता है। उसके बाद भाई किसी ने, कॉपरनिकस ने ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा। उसने ये कहा कि अर्थ नहीं, सन सेंटर पे है और बाकी प्लैनेट्स, अर्थ, ये सब चक्कर सन के लगाते हैं। तो थ्योरी जियोसेंट्रिक थ्योरी से बदल के क्या बन गई, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बन गई। जियो का मतलब अर्थ होता है, हेलियो मतलब सन होता है। इसका मतलब हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कोई भी नई थ्योरी बना सकते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी कन्वर्ट हुई थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में ऑब्जर्वेशन के थ्रू, किसी ने ऑब्जर्व किया था। ऐसे ही कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ किसमें कन्वर्ट हुआ था, कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल अर्थ में। अब आपका बढ़ते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, जो आप पढ़ने वाले हो क्लास 11 में, इसका मतलब क्या है। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या है। अब देखो, फिजिक्स आपका एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नेचर में जितने भी फेनोमेना होते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे एक वॉटरफॉल है, उससे पानी नीचे गिरता है, तो वो क्यों गिरता है, उसके पीछे का रीजन भाई ग्रेविटी, फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है। राइट नाउ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विद यू, और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसका रीज़न क्या है। जब मैं बोल रहा हूँ तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रही है हवा में, और उसके बाद वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन मेरे ईयर तक जाती है, फिर ईयर ड्रम की वाइब्रेशन होती है, फिर वो आपका सिग्नल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर ब्रेन तक जाता है, वो सब एक्सप्लेनेशन फिजिक्स कर सकती है। ऐसे ही आपके जितने भी डिफरेंट फेनोमेना है वो सब फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है, जितने भी नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं। तो फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, नेचर को स्टडी करना, एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना, जितने भी नेचुरल फेनोमेना उसमें होते हैं उनको स्टडी करना। तो द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स।
अब फिजिक्स आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बहुत पहले के टाइम से पढ़ी आ रही है, हम पढ़ रहे हैं इसको, बट मॉडर्न फिजिक्स रिसेंटली 70-80 ईयर से ही आपकी रोल में आई है, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आया, मतलब गैजेट्स वगैरह आपके इन्वेंट होने लग गए, तब से इसकी आपकी पढ़ाई होने लग गई। पहले क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ते थे। क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। किसी बॉडी को स्टडी करना है तो आप क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करोगे। एग्जाम्पल होता है इसमें कुछ सब्जेक्ट्स है, एक है मैकेनिक्स, तो किसके अंडर पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका आपके जो गैजेट्स बनते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, होल्स है, इनको हमें स्टडी करना होता है। तो छोटे लेवल पे हम जाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ते हैं वो किसकी ब्रांच है, आपकी मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। तो ये रिसेंटली आपकी रोल में आई है मॉडर्न, पहले के टाइम पे जो पढ़ी जाती थी वो हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते थे, जितने भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर पढ़ते थे, मैकेनिक्स हो गया, वो सब इसी में, हीट के हो गए, हीट वगैरह से रिलेटेड आपको थर्मल फिजिक्स, वो सब क्लासिकल फिजिक्स के आपके एग्जाम्पल बन जाते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, वो है आपका फंडामेंटल फोर्सेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर टुडेज लास्ट टॉपिक, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपकी, तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर का। तो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, तो फंडामेंटल फोर्स का मतलब होता है आपका बेसिक फोर्सेस इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो आपकी बेसिक फोर्सेस प्रेजेंट है उनको कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है यूनिवर्स में कुछ ऐसी फोर्सेस है जो आपकी, जिनकी वजह से बाकी फोर्सेस रोल में आती है, मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस है वो बाकी फोर्सेस को क्रिएट करती है। तो हमारे पूरे यूनिवर्स में टोटल वैसे चार ही फोर्सेस होती है, वो है आपकी, बाकी इन्हीं फोर्सेस से हम बाकी फोर्सेस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ी थी, दो मासेस के बीच में जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी खासियत होती है ये सबसे वीक फोर्स होती है पूरे यूनिवर्स में, सबसे कमजोर। सेकंड आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपकी दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, तो चार्ज की वजह से जो फोर्स होती है, साथ में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट्स की वजह से जो फोर्स होती है उसको मैग्नेटिक, तो जब इन दोनों को कंपाइल करते हैं तो हमारी बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स आपकी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स के बीच में, इसी वजह से इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी कहा जाता है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है यूनिवर्स में। लास्ट होती है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक है, ये न्यूक्लियर वर्ड आ गया तो न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती है, न्यूक्लियस के अंदर से जो पार्टिकल्स आपके निकलते हैं उसके बीच में, उनके बीच में ये फोर्स होती है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी न्यूक्लियर फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, उससे थोड़ा सा वीक होती है। तो हमारी टोटल पूरे यूनिवर्स में चार फंडामेंटल फोर्सेस है, जो बेसिक फोर्सेस है, तो पहले इनके नाम याद होने चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनमें सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब कल वाली क्लास में मैं इन सब को एक एक करके डिटेल में लूंगा, आपको चार चार पांच पांच पॉइंट्स भी इनके बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपको फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में भी इनका यूज होगा। एंड फिर हम देखेंगे इन सबको, कंपैरिजन करेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, क्योंकि अभी हमें सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक पता है, इन दो के बारे में नहीं पता, तो इन दो के बारे में भी कल जानेंगे कि इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो टुमोरो आई विल टेक ऑन फ्रॉम हेयर ओनली, टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर, बाय।